हेलो स्टूडेंट, आई एम राम बाबू पांचाल, वेलकम टू यू नवांकुर बिजी लेसन्स। टुडे वी आर डिस्कशन ऑन ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन क्लास 9th। नाउ स्टार्ट। India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multi-phase socio-economic progress. During the last 5 decades, it has moved forward displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. Means, Bharat Vishwa ki प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। लगभग पिछले 5 दशकों में भारत ने हर फील्ड में प्रोग्रेस की है, जिसमें मेनली आपकी जो फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इन सभी फील्डों में इंडिया ने बहुत फास्ट गति से जो है प्रोग्रेस की है और इसका रिजल्ट ये निकला है कि इंडिया ने जो है पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट रोल का कंट्रीब्यूशन किया है। ओके, नेक्स्ट है लोकेशन। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इन द मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन लेटिट्यूड 8 degrees 4 minutes एंड 37 degrees 6 minutes and longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. Means India पूरे वर्ल्ड में जो एरिया वाइज यदि कंपेयर करें तो इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, बिग कंट्री, और टोटल ओवरऑल यदि हम बात करें तो ये 7th नंबर की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। अब नॉर्थन हेमिस्फीयर में कहां पर है और नॉर्थन हेमिस्फीयर कहां होता है, तो हम इस ग्लोब को देख सकते हैं। ये जो आपको मैप दिख रहा है ये ग्लोब है और इसमें ये डॉट डॉट वाली जो लाइन है ये लाइन ऑफ इक्वेटर कहलाती है। इसके अपर साइड का पोर्शन आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर और लोअर साइड का जो पोर्शन होता है ये आपका साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। और यदि आपको ये और ये सभी लाइनें जो आड़ी दिखी रही, मतलब ये लाइन ऑफ इक्वेटर के अपर साइड में ये आपकी लाइनें गई हुई, ये आपकी लेटिट्यूड लाइन, ये आपकी नॉर्थन लेटिट्यूड कहलाती है और साउथ में जब हम बात करेंगे तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये साउथर्न लेटिट्यूड कहलाती है। अब सेकंड नंबर की लाइन्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है। लॉन्गिट्यूड लाइन्स वे लाइन होती है जो दोनों ही पोल को मिलाती है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से। ये आपकी जो 0 degree की लाइन है ये आपकी मेन लाइन मानी गई है और इसके लेफ्ट साइड की ये सभी लाइन है आपकी बेस्ट लॉन्गिट्यूड एंड राइट साइड की ये सभी लाइन आपकी ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहलाती है। तो जैसे ही हम 0 degree से नॉर्थ की ये ईस्ट की ओर जाती हैं तो कोई ऐसी लाइन जो आपको ये इंडिया दिखाई दे रहा है इस इंडिया के बेस्ट साइड को टच करती हुई जाएगी, ये लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस। और एक कोई ऐसी लाइन है जो इंडिया के ईस्ट साइड को टच करेगी, तो यही डिस्टेंस आपका लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस। और लेटिट्यूड डिस्टेंस क्या कहलाता है कि जैसे हम 0 degree से ऊपर की ओर जाएंगे तो कोई ऐसी लाइन होगी जो इंडिया को साउथ से टच करती ही जाएगी और एक लाइन ऐसी होगी जो इंडिया को नॉर्थ से टच करती ही जाएगी। तो ये दोनों ये जो बॉक्स बन गया है ये बॉक्स ही इसका लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड डिस्टेंस कहलाता है। तो जैसे हम 0 degree से नॉर्थ की ओर जाएंगे ये जो लाइन फर्स्ट नंबर की है इसका नंबर है 8 degree 4 minute 2, यहां से जैसे हम नॉर्थ की ओर जाएंगे और इस लाइन का नंबर है 37 degree 6 minute। ये हमारा लेटिट्यूड एंड एक्सटेंस कहलाता है। हम लॉन्गिट्यूड एक्सटेंस की बात करते हैं तो 0 degree जो आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन है इससे जैसे हम ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो इंडिया के बेस्ट साइड की जो लाइन टच करती जाएगी इसका नंबर है आपका 68 degree 7 minute। और जैसे हम इसके ईस्ट की ओर जाएंगे इस लाइन का नंबर है आपका 97 degree 25 minute। अब हो सकता है कोई ऐसी लाइन हो जो इंडिया को 2 equal parts में डिवाइड कर रही है तो वो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
इसका नंबर आपको याद रखना है, इसका नंबर है 23 डिग्री 30 नॉर्थ और ये आपकी लेटिट्यूड लाइन है। अब ये क्या करती है, आप देख रहे हो इंडिया को लगभग टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक नॉर्थ साइड का और एक साउथ साइड का। नाउ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट डिवाइडेड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड। और इसका जो मेनलैंड है वह है जो साउथ साइड का है वो एक ईस्ट पार्ट में और एक वेस्ट पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब इंडिया के ईस्ट और वेस्ट में क्या है, तो ये इंडिया का जो ईस्ट साइड में यहाँ पर जो सी है इसको अरेबियन सी और जो वेस्ट साइड में इसको बे ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, लाइक द अंडमान एंड निकोबार। और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है एंड अरेबियन सी में इसकी लक्षद्वीप है। ओके नाउ साइज द लैंडमार्क ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का टोटल जो एरिया है वह आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब ये टोटल वर्ल्ड का कितना है, इंडिया टोटल एरिया अमाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इन द वर्ल्ड। ये टोटल वर्ल्ड का लगभग 2.4 एरिया है जो इंडिया का टोटल एरिया, मतलब वर्ल्ड का कितना चला वो 2.4। नेक्स्ट फ्रॉम फिगर 1.2, यदि हम 1.2 के फिगर को देखें तो इसमें इन पूरे वर्ल्ड की जितनी भी लार्जेस्ट कंट्री है उसको बाय डायग्राम से दिखाया गया है। तो ये जिसका डायग्राम की पोल सबसे हाई थी, जिसका नंबर ज्यादा हो वो सबसे लार्ज कंट्री है, क्योंकि उसका एरिया हो रहा है वहां पर टोटल एरिया। सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका रशिया, जिसका टोटल एरिया 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सेकेंड पर है कैनेडा 9.98, थर्ड पर है यूएस 9.83, फोर्थ पर है चाइना 9.60, फिफ्थ पर आता ब्राजील 8.51 और सिक्स नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया 7.69 और लास्ट में आपका इंडिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब यदि हम इंडिया की बाउंड लाइन को देखें, मतलब इंडिया आपका बहुत बड़ा है, पूरे वर्ल्ड में सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है, इसका एरिया हम ऑलरेडी देख चुके हैं जिसका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब इसका जो एक्सटेंस है ईस्ट से पूर्व कितना है और आपका नॉर्थ से साउथ कितना है, तो इसके लिए हमको अलग से एक मैप में देखना पड़ेगा। यदि हम इस मैप को ध्यान से देखें तो इसमें हम पाएंगे कि ये आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लोकेशन है, ये इंडिया को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और यहाँ से यदि हम देखें ये 68 डिग्री 7 मिनट जो कि हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन है जो कि वेस्ट साइड की है, तो यहाँ से यदि हम इसको मेजर करें और पूरा घूमते हुए वापस हम ईस्ट साइड में यहाँ बे ऑफ बंगाल तक आए तो ये लैंडमार्क डिस्टेंस या एरिया कहलाता है और इसका जो डिस्टेंस है वह है 15,200। यदि हम इसको मापें तो ये 15,200 किलोमीटर लंबा है। अब हम इसके नेक्स्ट अपोजिट को लेंगे जो कि कोस्ट लाइन कहलाती है, जो समुद्र को छू रहा है। तो यदि हम इसको साउथ में मेजर करते हुए गुजरात से लेकर और वेस्ट बंगाल तक आएंगे प्लस अंडमान लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यदि हम कोस्ट लाइन को मेजर करेंगे तो इसकी लेंथ कितनी होगी, वो होगी आपकी 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्डेड माउंटेन। अब हमने ये तो देख लिया, अब हमें ये देखना है कि इसके अलावा क्या है। तो ये जो इंडिया की नॉर्थ साइड है, इस नॉर्थ साइड में यहां पर नॉर्थ साइड में हिमालय माउंटेन है, तो ये यही बता रहा है कि इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। इसकी नॉर्थ और वेस्ट में यहाँ पर आपका यहाँ से लेकर और ईस्ट तक हिमालय माउंटेन या हिमालय रीजन सिचुएटेड है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ और जिसका जो एक्सटेंस है वो यहाँ से लेकर, मतलब यहाँ पर हमारा लेटिट्यूड डिस्टेंस कितना था 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर और यहाँ इंडिया में आपके ये कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कितना है 23 डिग्री, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 22 डिग्री तक आता है, मतलब 37, 36 से स्टार्ट होता है और 22 डिग्री तक
में आपका आता है। नाउ लुक एट द फिगर 1.3 1.3 के फिगर को भी हम देख चुके हैं एंड नोट दैट द लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंस ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। यदि हम इंडिया की डिस्टेंस की बात करें तो हमने इसका लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड डिस्टेंस देखा है। इसका जो लेटिट्यूड डिस्टेंस है वह यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ से स्टार्ट हुआ और अपर साइड में नॉर्थ में आपका कितना 37 डिग्री 6 मिनट। यदि हम 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को माइनस करेंगे तो वो लगभग आपका 30 डिग्री आ जाएगा। और यदि हम इसका लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस देखें एक्सटेंस देखें तो ये आपका है 68 और ये आपका है 97 डिग्री 25 मिनट। यदि हम इसमें से इसको माइनस करें तो वो भी लगभग आपका 30 डिग्री के आसपास रिमेनिंग बचेगा। तो अब इंडिया को यदि हम दोनों ही एंगल से देखें नॉर्थ टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट तो हम इसमें ये पाएंगे कि इसका जो टोटल एक्सटेंस है वो 30 डिग्री के आसपास रहा है डिस्पाइट द फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंस अपीयर टू द स्मॉलर। तो इसमें हमें ये दिखाई देता है मैप को देखकर कि इसका जो पूर्वी और पश्चिमी भाग है वह छोटा दिखाई देता है किसके नॉर्थ एंड साउथ के द नॉर्थ साउथ एक्सटेंस। अब इसकी जो डिस्टेंस है तो इसमें फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए लॉन्ग टाइम ऑफ 2 आवर्स। तो चूंकि इसकी जो एक्सटेंस है ईस्ट से वेस्ट तक ये लाइन यहाँ पर शो हो रहा है कितना 2933 किलोमीटर। तो यहाँ से लेकर यदि यहाँ से सम ईस्ट में आपका राइज होता है तो यहाँ पर पहले होता है और यहाँ पर बाद में होता है तो वो कितना डिस्टेंस है तो वो अरुणाचल प्रदेश से लेकर और जैसे जैसे हम गुजरात की ओर आएंगे तो इसमें 2 आवर्स का अंतर आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है तो ऐसा होता इसलिए है कि इसका जो एक्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अब इंडिया में जो टाइम मेजर किया जाता है उसके लिए एक अलग से लाइन बनाई गई है जिसको हम इंडिया की मेन टाइमलाइन बोलते हैं और इसका नंबर कितना 82 डिग्री 30 मिनट। पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री और यहीं से पूरे इंडिया का एवरेज या स्टैंडर्ड टाइम इंडिकेट किया जाता है। द लेटिट्यूडनल एक्सटेंस इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और इंडिया के टेम्परेचर में भी डे नाइट के टाइम में भी यदि हम साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। नाउ इंडिया एंड द वर्ल्ड अब हम इंडिया का कंपैरिजन पूरे वर्ल्ड में करेंगे कि इंडिया की जो लोकेशन है वो किस टाइप की है। द इंडियन लैंडमार्क हैज ए सेंट्रल पोजिशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। भारत की स्थिति पूरे एशिया में पूर्वी और पश्चिम में बहुत अच्छी मानी गई है। इंडिया इज ए साउथ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट और इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट की साउथ साइड में स्टेबल है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एरिया। इंडिया के साउथ में जो इंडियन ओशियन है उसका हमें ये बहुत अच्छा फायदा लाभ मिलता है कि हम यूरोप कंट्री से और एशिया के किसी भी कंट्री से हम आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं और यही कारण रहा है कि इंडिया के साउथ में जो आपका इंडियन ओशियन है प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया तो भारत को एक विशेष स्थिति स्थापित करता है। नोट दैट द डेक्कन प्लेटू प्रोड्यूस इन टू द इंडियन ओशियन दस हेल्पिंग इंडिया टू स्टेबल क्लोज सेंट्रल विद द वेस्ट एशिया। और इसका जो पेनिनसुलर प्लेटू है मतलब यदि हम 0 डिग्री के ऊपर जैसे जाते हैं तो ये 23 डिग्री 30 मिनट की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है वो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ का जो पोर्शन है वह आपका पेनिनसुलर प्लेटू कहलाता है। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विथ
साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, और जिसके माध्यम से वो कोस्टल एरिया की वजह से हम पूरे वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज एंड इंडीड इट इज द इंडियन इमिनेंट पोजिशन इन द ओशियन इंडियन ओशियन। तो जितनी आपकी ये इंडियन ओशियन में इंडिया की कोस्ट लाइन की लेंथ है, इतनी पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्रीज की नहीं है, और यही इसका ये रिजल्ट रहा है कि जो इंडियन ओशियन है उसका नेम भी इंडिया के अकॉर्डिंग पड़ा है, मतलब इंडिया के वजह से ही उसका नेम जो है इंडियन ओशियन पड़ा हुआ है। नाउ नेक्स्ट इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड। अब हम इंडिया के पूरे वर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट देखते हैं किस टाइप से रहे हैं। कंटिन्यूइंग थ्रू एजेस व्हाट हर रिलेशनशिप रफ द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। इंडिया का जो अपने नेबर कंट्री या फॉरेन कंट्री से जो कनेक्शन रहा है वह सी रूट्स की अपेक्षा लैंड रूट से लग रहा है एंशियंट टाइम से लेकर। The various passages across the mountain in the north have provided passage to the ancient travelers, while the ocean restricted such interaction for a long time. So, India का जो north east area जहाँ पर हिमालय है, उसके आसपास में से होकर पूरे world की कोई भी चाहे वो travelers हों, चाहे आपके व्यापारी हों, तो वे लोग भारत में आसानी से आ जाते थे और आते रहे हैं, जिसका इफेक्ट इंडिया पर पड़ा है। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कमोडिटीज सिंस एंशियंट टाइम। और प्राचीन काल से ही यहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है, जिसमें मेन रूप से द इंडिया द आइडियाज ऑफ उपनिषद एंड द रामायण द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसका ये रिजल्ट रहा है कि इंडिया में जितने भी आपके उपनिषद का विचार आइडियाज हों या रामायण के हों या पंचतंत्र की स्टोरीज हों और इंडिया का डेसिमल सिस्टम हो न्यूमरल्स नंबर हो, ये सभी वर्ल्ड के सभी भागों में फैले। अब ट्रेड से क्या हुआ, ट्रेड फॉरन ट्रेड से क्या क्या रिजल्ट था, टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक स्कल्पचर्स एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द डोम एंड मिनरल्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। और इसका रिजल्ट ये निकला कि जब फॉरेन कंट्री से हमारे देश में बहुत सारे लोग आए और यहाँ के लोग बहुत सारे गए, तो इसका जो स्कल्पचर पर आर्किटेक्चर स्टाइल पर भी इसका इफेक्ट हमें इंडिया के लगभग हर पार्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया नेबर्स, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत इंडिया नेबर्स देखने के लिए यदि हम मैप को भी देखें तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। यदि हम मैप को देखें तो इस मैप में आप देखेंगे ये इंडिया का मैप है, और यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ साइड में। तो नॉर्थ में और वेस्ट में देख लीजिए, पहले आप वेस्ट में आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर है आपका चाइना, नेपाल, भूटान, ईस्ट में आपका है म्यांमार, बांग्लादेश, और साउथ में आपका श्रीलंका है। और इंडिया ओशियन में का ये दोनों ही जो पार्ट्स हैं, एक आपका ईस्ट साइड का है बे ऑफ बंगाल, इसमें आपके अंडमान निकोबार सिचुएटेड है, और वेस्ट में जिसको हम अरेबियन सी के नाम से इंडिकेट करते हैं, इसके साउथ में मालदीव सिचुएटेड है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एक्सरसाइज चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो। फर्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कर्क रेखा किस रास्ते होकर नहीं गुजरती है, तो इसको याद रखिए। मैप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर भी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। सेकंड है भारत इंडिया द ईस्ट
ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, हमने इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस देखा था तो इसकी ईस्ट साइड में कौन सा है, तो वो आपका 97 degree 25 minutes। थर्ड है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रॉन्चीज विथ, तो आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं, तो कॉमनली वो आपका चाइना है। नेक्स्ट है आपका इफ यू इंटेंड टू विजिट कावरत्ती ड्यूरिंग योर समर वैकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू, यदि आप समर वैकेशन में आपके दोस्त के साथ कावरत्ती जाना चाहते हैं तो आप कौन से यूनियन टेरिटरी जाएंगे, तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कावरत्ती कहाँ, कावरत्ती आपकी लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है और लक्षद्वीप आपका कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट है आपका माय फ्रेंड हैज फ्रॉम ए कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया आइडेंटिफाई द कंट्री, और क्वेश्चन है भूटान, ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, कजाकिस्तान एंड नेपाल। तो मेरे मित्र किसी एक देश के निवासी हैं और उस देश की सीमा इंडिया से नहीं लगती, आप बताइए, तो इसमें हमें वो कंट्री बताना है जो हमारा पड़ोसी नहीं है, नेबर्स नहीं है, तो भूटान है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी, लेकिन कजाकिस्तान नहीं है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। अब कुछ शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर में नेम द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी, तो अरेबियन सी में कौन से आपके आइलैंड हैं, लक्षद्वीप। सेकंड नेम द कंट्रीज व्हाइल आर लार्जर देन इंडिया, इंडिया से बड़ी ऐसी कौन कौन सी कंट्री है, तो वो हम पिक्चर देखकर जो डायग्राम आपको बताया उसमें बता सकते हैं, तो आपका रशिया है, फिर आपका कैनेडा है, फिर यूएसए है, यूएसए के बाद आपका ब्राजील और चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया, ये वो कंट्री हैं जो इंडिया से बड़ी हैं। नेक्स्ट है विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई टू इट्स साउथ ईस्ट, तो इसमें भी हमारे वो पड़ोसी देशों के नाम बताना है जो इंडिया के बिल्कुल इंडिया की बाउंड्री को टच कर रहा है, जिसमें हमारे एक तो पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। नेक्स्ट विच आइलैंड कंट्रीज आर अवर साउथर्न नेबर, अब हमारे वो पड़ोसी देश बताना है जो साउथ साइड में है, तो उसमें हमारा जो है श्रीलंका है और एक हमारा मालदीव है। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ था, इसके बाद शॉर्ट आंसर का एक नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन है द सनराइज 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर्ड टू गुजरात इन द वेस्ट बट द वॉचेस शो द सेम टाइम हाउ डस कि सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में पहले आता है और गुजरात में बाद में पहुंचता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूर्व में और गुजरात आपका पश्चिम में है, लेकिन फिर भी इन दोनों की घड़ियों में 2 hours का अंतर होता है, जबकि दोनों ही राज्यों की घड़ी में एक का समय इंडिकेट होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, देखिए पहले तो ये 2 hours का समय क्या होता है ये समझ लीजिए, क्योंकि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस एक्सटेंस है उसमें अंतर है लगभग आपका 30 degree का, और इंडिया का लॉन्गिट्यूड की बात करें ये आपका वेस्ट साइड में 68 degree 7 minutes से स्टार्ट होता है और ईस्ट में 97 degree 25 minutes तक जाता है, तो 30 degree का अंतर है। अब जैसे जैसे सूर्य की रोशनी जो होते ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है तो उसमें टाइम लगता है, तो इस टाइम को हमने सेम रखने के लिए एक बीच में मेन टाइम लाइन को इंडिकेट किया है जिसको 82 degree 30 minutes से इंडिकेट किया, और वहीं का जो टाइम लाइन होता है वो पूरे इंडिया में ही मान किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस कि इंडिया की जो इंडियन ओशियन में पोजीशन है वो इसको एक बहुत ही अच्छा स्थान दिलाती है और इसके हमें कौन कौन से लाभ हैं ये हम इंडिकेट करना है, तो उसका मेनली यही रहेगा कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है पूरे इंडियन ओशियन में
पूरी इंडियन ओशियन में या इंडस ओशियन में ऐसी पूरे एशियन कंट्री में किसी के पास नहीं है। इसकी कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो बहुत है, 7,516.6 किलोमीटर। और इसका रिजल्ट ये रहा है कि इंडिया एक और जो है सी रूट से, और इसके अपोजिट में हम साउथ की बात करें तो लैंड रूट से पूरे वर्ल्ड के किसी भी कॉन्टिनेंट में किसी भी कंट्री में आसानी से जा सकता है। जिसका रिजल्ट ये है कि इंडियन ओशियन का ये इंडियन ओशियन का नाम भी इंडिया के आधार पर ही पड़ा है। तो ये हमारा क्वेश्चन कम्प्लीट होता है, और इसका जो मैथ स्किल है वो आप मैथ की हेल्प से करेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।